राखी बेगिन कंपटीशन में, फिर मिडिल सेक्शन में तपस्या ठाकुर डॉक्टर ऑफ श्री बीरेन ठाकुर, श्रीमती रितु सिंह ठाकुर, जिन्होंने मिडिल सेक्शन में फर्स्ट प्राइज, विकास अहिरवार सन ऑफ श्री अशोक अहिरवार, श्रीमती सोना अहिरवार, ये सेकंड प्राइज मिडिल सेक्शन में। हाई स्कूल में लोकेन सिंह सन ऑफ श्री गजेंद्र सिंह, श्रीमती लक्ष्मी सिंह, फर्स्ट प्राइज हाई स्कूल सेक्शन में राखी बेगिन। सेकंड प्राइज मेघा चौधरी डॉक्टर ऑफ श्री राजेश चौधरी, श्रीमती सुनीता चौधरी, सेकंड प्राइज। हायर सेक्शन में कुमारी रितिका जैन डॉक्टर ऑफ श्री अशोक जैन, श्रीमती मीना जैन, फर्स्ट रैंक किनको लगा, और सेकंड रैंक महक जैन, कुमारी महक जैन डॉक्टर ऑफ श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अंजलि जैन ट्वेल्थ क्लास की स्टूडेंट है, इन्होंने सेकंड प्राइज दिया। तत्पश्चात रिजल्ट ऑफ मेहंदी कंपटीशन, मेहंदी सजाओ कंपटीशन होता है, काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों के लिए। इसमें प्राइमरी सेक्शन में काव्या जैन फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है, इन्होंने फर्स्ट रैंक लिया। काव्या जैन डॉक्टर ऑफ श्री सत्येन जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। सेकंड प्राइज था अंशिका परिहार डॉक्टर ऑफ श्री अजीत सिंह परिहार, श्रीमती अनामिका परिहार, अगर ये नहीं है उपस्थित तो मिडिल सेक्शन में आमंत्रित करूँगा। आध्या जैन डॉक्टर ऑफ श्री संतोष जैन, श्रीमती शोभना जैन। सेकंड प्राइज ईशा जैन डॉक्टर ऑफ श्री सुनील जैन, श्रीमती अर्चना जैन। इधर तैयार रहे हायर सेक्शन में, हाई स्कूल सेक्शन में कुमारी महिमा जैन डॉक्टर ऑफ महेन जैन, श्रीमती सुषमा जैन, फर्स्ट रैंक लिया, ये टेंथ क्लास की स्टूडेंट है। सेकंड प्राइज प्रिया जैन डॉक्टर ऑफ श्री पंकज जैन, श्रीमती प्रीति जैन, इन्होंने सेकंड प्राइज दिया हाई स्कूल सेक्शन में, क्लास नाइन्थ की स्टूडेंट है। इसके पश्चात हायर सेक्शन में मुस्कान जैन डॉक्टर ऑफ कमलेश जैन, श्रीमती प्रीति जैन, 11th क्लास है, फर्स्ट रैंक, ये मेहंदी कंपटीशन में। और लास्ट हमारा प्राइज है आर्या जैन, कुमारी आर्या जैन डॉक्टर ऑफ श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती अभिलाषा जैन, दलपतपुर से रहने वाली हैं, क्लास 11th स्टूडेंट, सेकंड रैंक इनका रहा। धन्यवाद। आज मैंने देखा तालियों की आवाज़ मुझे कम सुनाई पड़ी, कारण जो भी है, लेकिन आप जरा दिल खोल के तालियां एक बार पुनः बजा दें, क्योंकि इसके पश्चात हमारे मेन कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होंगे। Yes, you all guessed it right. She's none other than our sister Ansi. She's a good leader, good motivationalist, role model for many of us. Enthusiastic, impartial, and a good jury. Now, may I invite Sister Ansi to inspire us with your words. It's very essential, very important. It's all awaiting. So I'm just saying in one or two words, I express my heartfelt thanks on behalf of the management staff and students and all those who are related to SJS family to Right Reverend Dr. James Sathikalam, MST, the president of the function, who have come here to grace the occasion. I also express a big word of thanks to Colonel Pradeep Chaube, Manashri Swagar, as a special guest, for his presence and good words. I also take this opportunity to thank Sister Asha Varghese, Assistant Superior General, for inspiring us. I have a big word of thanks to Sanjay Tendhouse, Regiment, Ramzan Sound, Life, Krishna Tendhouse, Macronia, Mukesh and Naresh Bhai, and the LED screen, Raj Audio Visual Swagar, and a special and the video people. And I especially thank the retired army personnel who are present here by accepting our invitation. I also thank all the officials of Banda, the principals, Patrakar,
and all the officials of Banda. I have a big word of thanks to all her very reverend fathers, vicar generals, sisters, brothers, and all those who have come from far and near to grace the occasion and to join us in your giving your company. मेरा एक स्पेशल थैंक्स है हमारे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहले हमारे स्कूल में भेजा है और आज का इस विशेष दिन में अपने बच्चों का प्रदर्शन कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ मौजूद है। उन सबों के लिए मेरे हमारे स्कूल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। आई कैन नॉट बट forget one thing, this drama that you are seeing here, the second part is a reminding, it is, the script is prepared and it is directed by one of our sir, Umesh Sahu sir, it is his creation and with the cooperation of all our good teachers, the students are prepared. So they have, I have a great word of thanks to Umesh sir and all those who have collaborated with him. And I also take this opportunity to our radio teachers, non-teaching staff, और हमारे जितने भी लोग आज का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए in front and behind curtain काम किया है, करते रहते हैं अभी भी, उन सबों के लिए मैं बहुत आभारी हैं। सबको सेंट जोसेफ परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेशल वर्ड ऑफ कंग्रेचुलेशन एंड अप्रिसिएशन फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स हु हैव वंडरफुली प्रेजेंटेड सो मेनी आइटम्स हियर एंड फिल्ड द स्टमक ऑफ द ऑडियंस। इफ आई हैव फॉरगॉटन एनीबॉडीज नेम माफ कीजिएगा, किसी का नाम यदि दिया नहीं है। जितने भी लोग आज का दिन को शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक के लिए हमारे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए। ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत हमारे मुल्क की, कभी सड़क पर चल कर देख लेना। Now, let's move on to the personal life of the army. If we talk about the personal life of the army, they are the ones who sacrificed their life for the sake of our motherland. आज के वार्षिक उत्सव के दिन को हम राष्ट्र के उन सपूतों को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आन बान शान और देश के गौरव के लिए बलिदान दिया और अनेक प्रकार की यातनाएं सहन की। तो आइए देखते हैं बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति। Now, the second part of the theme begins. सचमुच अंकल, हमारे देश की सेना हमारे लिए कितना कुछ त्याग करती है। हाँ बेटा, इसके साथ ही जब कुछ असामाजिक तत्व भारत की शांति भंग करने का प्रयास करते हैं तो हमारे देश के वीर सैनिक उनकी कोशिशों को नाकाम करके देश का गौरव बनाए रखते हैं। और जब जब हमारे देश पर संकट के काले बादल मंडराते हैं तब हमारे देश के वीर जवान बड़ी ही वीरता के साथ दुश्मनों का सामना अपनी आखिरी सांस तक बड़ी साहस के साथ करते हैं। Thank you.
आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान गाव दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी के तुम गुहार दो। आन शान या की जान गाव दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल दी रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। दूसरे धर्म से लड़ाना है। दूसरे देशों को इससे क्या फायदा? फायदे की बात करता है, फायदा तो इतना है कि तू कभी सोच भी नहीं सकता।
आज हम जहां बैठे हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। 1000 साल तक हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम व अन्य धर्म ऐसे रहे जैसे कभी अलग ही ना होना था। फिर 1947 में ऐसा क्या हुआ कि एक साल भी साथ ना रह सके और बंटवारा हो गया। इसका कारण वो लोग थे जो चाहते थे कि उनके द्वारा बनाए हुए हथियार बिके और इससे इन देशों का विकास ना हो। हम भी उसी का एक हिस्सा है। पर हम जिन्हें मारने जा रहे हैं वो भी तो हमारे लोग हैं। कौन से लोग, कैसे लोग? हमारे कोई लोग नहीं है, ना ही हमारा कोई धर्म है। हमारा सिर्फ एक ही चेहरा है, आतंक। मैं ही हिंदू आतंक फैलाता, मैं ही मुसलमान आतंक फैलाता, सारे धर्म के आतंक मैं ही फैलाता। इसीलिए मेरा नाम मुझे साई है। आज हमें भारत पर हमला करना है। पर मैंने सुना है भारत